एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निहारिका और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं के ब्यूटी के मैटेनी लिप क्रेयॉन्स का रिव्यू। वेल, के ब्यूटी कैटरीना कैफ का कॉस्मेटिक लॉन्च है, मेकअप ब्रांड है, और वो कोलैब है नायका के साथ। आई डोंट नो नायका का किस टाइप का कोलैब है उनके साथ, आई थिंक सेल्स को लेके, बट ये कैटरीना कैफ का है और उन्होंने आई थिंक 4 to 5 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लिप क्रेयॉन्स, लिप लाइनर, काजल, लिप ग्लॉस एंड आईब्रो पेंसिल्स। सो ये सारे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं। मेरा मेन अट्रैक्शन लिप क्रेयॉन की तरफ ही गया एंड लिप क्रेयॉन का जो प्राइस है वही सबसे ज़्यादा हाई है बाकी सभी प्रोडक्ट में। ये 799 रुपीज़ के लिप क्रेयॉन्स हैं एंड ये 24 शेड्स में अवेलेबल हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 2 शेड्स हैं लिप क्रेयॉन के एंड ऑब्वियसली आपने टाइटल से देखा होगा दैट आई एम नॉट सो हैप्पी अबाउट दिस। सो इस वीडियो को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। एंड आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इट्स फ्री। सो या लेट्स मूव ऑन टू रिव्यू। सो सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं। आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप की पैकेजिंग है। ये काइंड ऑफ जनरल पैकेजिंग है जो सभी प्रोडक्ट में फॉलो की गई है, चाहे आप काजल लो जो भी लो। इसी टाइप का वेट वाइट बेस है एंड ये कलर कोडिंग इसी टाइप का है, मतलब सेम इसी टाइप की पैकेजिंग है। साइज डिफरेंस है, कलर डिफरेंस है सब, बट ये जनरल पैकेजिंग है। ये जो मैटेनी लिप क्रेयॉन है ये एनरिच है विद कैमोमाइल एंड मरूला ऑयल। सो आप बैक में देख सकते हैं, बैक में कोई इंग्रेडिएंट नहीं दिया हुआ है। ये 1.1 ग्राम का प्रोडक्ट है एंड 799 रुपीज़ इसकी MRP है। सो जो भी शेड है वो शेड का कलर कोडिंग एक तो पैकेज पे है और जो शेड का नेम है वो टॉप पे आपको मिलेगा। सो जो लिप लाइनर का ये जो बेस है वो कलर कोडेड है। यहाँ बेस में अब आपको बहुत छोटा सा नाम दिखेगा। सो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये है रोल ऑन, यानी आप ये पार्ट ट्विस्ट करोगे तो आपका प्रोडक्ट बाहर आएगा। आपको कुछ भी शार्पनिंग करने की ज़रूरत नहीं है तो कोई भी प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, विच इज़ वेरी गुड थिंग। हाँ, जो आपकी टिप है ये थिक टिप है और ये आपका फ्लैट हो जाएगा यूज़ करने के साथ, बट स्टिल आप यूज़ कर पाओगे क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है। 24 शेड्स हैं, शेड बहुत ब्यूटीफुल हैं जो भी 24 शेड्स हैं, बट हाँ उन 24 शेड्स में बहुत मतलब नॉर्मल काइंड ऑफ है, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक शेड नहीं है। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन दोनों लिप क्रेयॉन के स्वॉचेस दिखा देती हूँ। सबसे बड़ी मतलब पहली प्रॉब्लम है कि ओबियसली ये काइंड ऑफ ड्राई लिप क्रेयॉन्स हैं। अगर आप लिप बाम लगा के इसे नहीं लगाओगे तो थोड़ी देर में आपके लिप्स चैपी हो जाएंगे, भले आपके लिप्स लगाने से पहले चैपी नहीं थे तब भी ये काइंड ऑफ ड्राई कर देता है आपके लिप्स को और ज़्यादा। सेकेंड चीज़, ये उतने पिगमेंटेड नहीं है, मतलब आप लगाते हो ठीक है, जो लाइटर शेड्स हैं वो तो फिर भी आपको इवन पिगमेंट दिखता है, पर जो डार्कर शेड है मेरे पास ये उतना पिगमेंटेड नहीं है जितना होना चाहिए। ये ट्रांसफ़र बहुत थोड़े सा होता है, मैं इसे ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं कहूँगी, मैं इसे किस प्रूफ कहूँगी। लगाने बाद थोड़ी देर वेट करिए, एक काइंड ऑफ बहुत कम ट्रांसफ़र करता है आपके हैंड में। सो इस काइंड ऑफ किस प्रूफ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। आप कुछ भी खाते हो ये बहुत धीमे धीमे ट्रांसफ़र होती रहती है एंड काइंड ऑफ कुछ ही देर में ये गायब हो जाती है। एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि खासकर ये जो शेड है स्टाइल आइकन, ये बहुत ही वियर शेड है। एक काइंड ऑफ क्रेयॉन जैसा ही एक्ट कर रहा है कि जैसे आप वैक्स के क्रेयॉन से कलर करते हैं तो एक के ऊपर एक लेयर करने पर डिपॉजिट होने लगता है कलर, वैसे ही आप यहाँ पे मेरा हैंड देख सकते हैं। तो आपने अभी तक देखा दैट दे आर नॉट मॉइस्चराइजिंग, दे आर किस प्रूफ बट नॉट ट्रांसफ़र प्रूफ। जो लॉन्ग लास्टिंगनेस जो होती है कि कितनी देर तक स्टे करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे किया है वेयर टेस्ट, जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं बताऊँगी इससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद देखें। दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस लिपस्टिक।
सो गाइस यहाँ पे मैंने किया है वेयर टेस्ट. आई थिंक मैंने 4-5 आवर्स तक अप्लाई किया है क्योंकि उससे ज़्यादा तो ये नहीं दिख पाता सीरियसली, वो आप देख लोगे. मैंने यहाँ पे ये डार्कर शेड लिया है अप्लाई करने के लिए. द थिंग आई रिग्रेट इज ऑब्वियसली कि मुझे ये शेड परचेज करना पड़ा. मैंने यूजली ये परचेज किया था पर मुझे इसके साथ क्लियर नहीं हो पा रहा था. मुझे प्रॉब्लम लग रही थी पर उतना क्लियर नहीं हो पा रहा था बिकॉज ये शेड काइंड ऑफ अगर फेड भी हो रहा है तो तब पता नहीं चल रहा, टिंच हो रहा है. बट इसके साथ क्लियर हुआ कि क्या क्या प्रॉब्लम है. और खासकर ये शेड भी डार्कर शेड ज़्यादा वियर्ड है और आपको ज़्यादा जो नेगेटिव चीज़ है वो ज़्यादा दिखाई देती हैं डार्कर शेड के साथ. तो मैंने ये शेड अप्लाई किया है. दिस इज़ लाइक नॉर्मली घर में नो मेकअप मैंने ये शेड अप्लाई किया है तो आप देख भी सकते हो नॉर्मली विदाउट मेकअप शेड कैसा दिखता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो ये काफी ड्राई काइंड ऑफ है. सो मैं लिप बाम लगा के लगा रही हूं. हे गाइस, सो मैं सेकेंड डे वेयर टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सेम डे बहुत लेट हो गया था. वैसे ही लिपस्टिक अप्लाई की लिप बाम के बाद एंड सेम शेड आप देख सकते हैं. एक चीज़ कहूँगी, जब भी आप ये लिपस्टिक अप्लाई करते हैं खासकर मुझे अपने लोअर लिप पे बहुत पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है इसके साथ, कई बार लेयर अप करना पड़ता है. आप देख सकते हैं साइड में अभी भी लिपस्टिक नहीं लगी है. मुश्किल होता है, इवन टिंट भी नहीं देता. हाँ, और ज़्यादा लेयर अप करने से प्रोडक्ट बार बार डिपॉजिट होता है. डिपॉजिट है आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा आपको ब्लैकिशनेस दिख रही होगी बीच बीच में, वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिपॉजिट है मेरे लिप्स पे और आप कुछ नहीं कर सकते उस पॉइंट पे. और बहुत अच्छे से आपको लिप आपके स्मूथ और एक्सफोलिएट होने चाहिए इस लिपस्टिक लगाने की, नहीं तो ये प्रोडक्ट आपके लिप्स पे डिपॉजिट हो जाएगा अगर ज़रा सा भी चैपीनेस है, बहुत ज़रा सा भी. बहुत ज़्यादा ड्राई टेक्स्चर दे रहा है, बहुत ज़्यादा लाइन्स दिख रही हैं. नॉर्मली फिलहाल ही मैंने अभी लगाई है, सिर्फ 10 सेकेंड हुए हैं एंड आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लाइन्स दे रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिप्स को ओवर दिखाता है. सो दैट्स द थिंग. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड अभी टाइम हो रहा है 1:30 PM एंड आफ्टरनून है, लेट्स सी. सो गाइस 1 आवर हो गया है और आप मेरे लिप्स देख सकते हैं. मैंने कुछ नहीं खाया है तो अभी भी लिपस्टिक इंटैक है बट बहुत ही ड्राई टेक्सचर है लिप्स पे. बहुत ज़्यादा मुझे ड्राई फील नहीं हो रहा पर टेक्सचर बहुत ड्राई दे रहा है, बहुत वियर्ड फील हो रहा है. तो दैट्स द थिंग. बहुत ज़्यादा लाइन एंड क्रीज आप देख सकते हो, चाहे वो अपर लिप हो या लोअर लिप हो, एंड दैट्स द थिंग. सो गाइस, तो अभी हो रहे हैं 4:00 और आई थिंक 3-3.5 घंटे आप समझ लीजिए हो चुके हैं. अभी मैंने फिलहाल ही अभी तुरंत मैंने लंच लिया है. नॉर्मल इंडियन लंच था, राइस एंड ग्रेवी, जो कि मैंने स्पून से खाया है. बट आप देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक ऑलमोस्ट जा चुकी है, कितना डार्क ब्राइट वाइन शेड था और फिलहाल ये ऑलमोस्ट फेडेड है और गायब ही है. अब देख सकते हो सामने से लिपस्टिक जा चुकी है. मैं ये नहीं कहूँगी इनर कॉर्नर, मेरा फ्रंट में ही कोई लिपस्टिक नहीं है, सिर्फ एकदम आउटर एज पे लिपस्टिक लगी है, वो भी फेडेड पॉइंट टाइप ऑफ, मतलब वहाँ पे भी पिगमेंट नहीं है और ऊपर से भी अंदर से जा चुकी है, सिर्फ आउटर रीजन पे है, एकदम ही एक्सट्रीम आउटर रीजन पे, जैसे कि मैंने लिप लाइनर लगाया हो. सो दिस इज़ नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग और जैसे ही आपने कुछ खाया तो ये चला ही जाएगा. मैं नहीं कहूँगी मैंने बहुत ऑयली फूड खाया, थोड़ा सा ऑयली था, थोड़ा सा जितना ग्रेवी में थोड़ा सा ऑयल पड़ता है उस टाइप का, राइस एंड ग्रेवी वो भी स्पून से खाया, इतना तो आप खाओगे ही एंड, पर ये बिल्कुल भी फूड नहीं सर्वाइव कर पाती है बॉडी. और बहुत ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं कहूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारी लिपस्टिक ही जा चुकी है तो उसमें कुछ भी ट्रांसफ़र प्रूफ जैसा नहीं है. इवन जो आउटर रीजन है उसमें भी कोई पिगमेंट नहीं है. सो इट्स नॉट ऑल्सो ट्रांसफ़र प्रूफ, इट ऑल्सो नॉट लॉन्ग लास्टिंग और सब मील्स तो सर्वाइव कर ही नहीं पाया. एंड इसी नोट पे मैं यहाँ पे ये वेयर टेस्ट एंड कर दूँ क्योंकि ऑब्वियसली इस लिपस्टिक में कुछ नहीं बचा कि मैं इस वेयर टेस्ट को कंटिन्यू करूँ. इस पॉइंट पर आप कहीं भी नहीं जा सकते हो, आपको पूरा दोबारा ही लिपस्टिक लगाना पड़ेगा और हर मील के बाद लिपस्टिक लगाना सब
का चॉइस नहीं होता। तो इसलिए मैं वेयर टेस्ट यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपने देखा ये 3 से 4 घंटे बस डिपेंड करता है आपने कुछ खाया हो या चली गई। सो दिस इज़ अ थिंग। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। बाय।